जमालिया में हुए हमले के बाद अरब देशों में बहुत गुस्सा है। जॉर्डन ने इसराइल से अपना राजदूत वापस बुला लिया है, लेकिन इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा तीसरा फ्रंट बन चुका है, क्योंकि इस फ्रंट से इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। यही वजह है कि इसराइल ने अपना सबसे बड़ा हथियार एक्टिव कर दिया है। पहले इसराइल के खिलाफ ड्रोन लॉन्च किए गए, बात नहीं बनी तो इसके बाद इसराइल पर क्रूज मिसाइल दागी गई। जब दोनों हथियार नाकाम हो गए तो इसके बाद इसराइल पर सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च की गई। ये इसराइल के खिलाफ यमन का यलगार है। अरब देशों में यमन सबसे पहला देश बन गया है जहां के हुथी विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة। यमन के हुथी विद्रोहियों ने इसराइल को अपना दुश्मन नंबर एक बताया है, लेकिन उसके तीनों हथियार यानी ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल पहले हमले में ही नाकाम हो गए हैं। और इसकी बड़ी वजह बना इसराइल का बहुत ही सटीक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है। यही डिफेंस सिस्टम है जिसके बलबूते ईरान की भी मिसाइलों को रोक लिया जाएगा। इसराइल में इस बात का भरोसा रहता है, जब एरो 3 मिसाइल लॉन्चर से निकलती है तो समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी हो, यह लंबी दूरी की रेंज तक उसे मार गिराएगी। जब हुथी विद्रोहियों ने इसराइल पर अपनी मिसाइल फायर की तो उसने यकीन माना कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल चाहे फेल हो गए हों, लेकिन इसराइल इस मिसाइल से खुद को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसराइल का यह डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हुआ और उसने हुथी की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। הים האדום, יירטנו טיל קרקע-קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל. יירטנו אותו על ידי מערכת הגנה לטווח רחוק, מערכת החץ. זוהי הפעלה ראשונה של המערכת במלחמה והיא בוצעה בצורה מוצלחת. अब तक इसराइल आयरन डोम को लेकर दुनिया में मशहूर हुआ है। ये इसराइल का बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेटों को मार गिराया है। देखिए दिन में जब ये रॉकेट फायर किए जाते हैं तो कैसे हमला होता है। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीर है। हमास एक के बाद एक 10 रॉकेट फायर करता है और फिर इसराइल के शहर टारगेट बन जाते हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोला हुआ है। लेकिन अब चैलेंज हुथी की बैलिस्टिक मिसाइल का है और इसे रोकने के लिए इसराइल का एरो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। इसकी मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। जब इसका रेडार दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है तो लॉन्चर पूरे हालात को समझते हुए सही वक्त पर जवाबी हमला करता है और एरो मिसाइल दुश्मन की तरफ से आ रहे खतरे को आसमान में ही मार गिराती है। यही एक मिसाइल डिफेंस के काम करने का तरीका होता है। החות'ים הם אכן בחלקם מביאים יכולות איראניות שגם מגיעות לאזור הזה, וזה גם חלק מהדברים שנתקלנו בהם בירוטים, ולכן זה חלק משלוחה, מה שנקרא פרוקסי איראני. זה החות'ים, ואמרתי, יש לנו יכולת הגנה שהבינו אותה,
אנחנו מייצרים הגנה מקסימלית, שום דבר אף פעם לא הרמטי, אבל ההגנה שלו היא מאוד מאוד חזקה עכשיו במרחב הזה, ואנחנו נעבה אותה עוד אם צריך. אנחנו נייצר הגנה, מעטפת הגנה חזקה במרחב הדרומי של מדינת ישראל. इजराइल साफ साफ कह रहा है कि यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इजराइल की रेंज तक मार कर सकते हैं। ये इजराइल के लिए बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि अगर यमन को वो काबू नहीं कर पाया है तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ तीसरा फ्रंट एक्टिव हो जाएगा। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इजराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम, जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो टू एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है, लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3, जो 250 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म करता है। और अब यही इजराइल का सबसे बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने वाला गारंटी बन चुका है। इन चारों डिफेंस सिस्टम के साथ अब इजराइल की सेना को तीसरी नजर दक्षिण की तरफ भी रखनी होगी, क्योंकि यहीं से अब सबसे खतरनाक हमले हो सकते हैं। ये हमले गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला से भी ताकतवर कहे जाएंगे, क्योंकि यहां खतरा अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से है। ان القوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان هذه العمليه هي العمليه الثالثه نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي. इससे पहले 19 अक्टूबर को हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला किया था, लेकिन इस हमले को लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाज ने मिसाइल मारकर नाकाम कर दिया था। जबकि सऊदी अरब ने भी इसराइल की तरफ बढ़ रहे कई ड्रोन मार गिराए थे। इसराइल के लिए सोचने वाली बात यह है कि सितंबर में हुती विद्रोहियों ने एक परेड निकालकर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दिखाए थे जो इसराइल तक हमला कर सकते हैं। इस वक्त अरब देशों में इसराइल को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गाजा में हो रही बमबारी और करीब 10,000 लोगों की मौत को लेकर सब अपनी सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि वो इसराइल को लेकर सख्त कदम क्यों नहीं उठाते। ये जॉर्डन है, जो इसराइल का पड़ोसी है और उसके इसराइल से अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन यहाँ की राजधानी अम्मान में ये प्रदर्शन बताता है कि यहाँ की पब्लिक इसराइल पर एक्शन चाहती है। लोग यहाँ प्रदर्शन में ऐसे बैनर और पोस्टर लेकर आए हैं जिन पर लिखा है कि इसराइल के साथ सभी तरह की डील खत्म की जाए और इसराइल के राजदूत को वापस भेज दिया जाए, इसराइल के दूतावास को बंद कर दिया जाए। أقول على الجانب الرسمي الأردني اليوم أن يتخذ مواقف حقيقية على أرض الواقع تتناسب مع الخطابات التي نسمعها صباح مساء، وينبغي أن يترجم ذلك بفعل حقيقي في إغلاق السفارة الصهيونية وتسليح الشعب الأردني وأخذ مواقف تجاه الأوراق التي تملكها الحكومة الأردنية اليوم تجاه اتفاقيات الطاقة مع العدو الصهيوني وإمداده بالمعلومات وبالتنسيق الأمني وبحماية الحدود وبحفظ أمنه